इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन कार्ड को लेकर एक नए पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल पर दोस्तों पहले की तुलना में काफी आसानी से अब आप पैन कार्ड बना सकते हैं, साथ ही साथ पैन कार्ड में आप किसी भी प्रकार का करेक्शन कर सकते हैं। इस पोर्टल के थ्रू दोस्तों आप ई साइन से बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड बना सकते हैं और फिजिकल तौर पर मिलने वाला पैन कार्ड भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लगातार बने रहे, कौन सा ये पोर्टल है, किस प्रकार इस पोर्टल से आप पैन कार्ड या फिर पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं या फिर ई साइन वाला बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड आप इस पोर्टल से किस प्रकार बना सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप के जरिए भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको रैंडमली कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और इस ब्राउजर में आपको टाइप करना है माई पैन। माई पैन टाइप करके जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है। यहां पर आने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है माई पैन अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड फॉर्म नंबर 49। आप यहां पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर करेक्शन चेंज इन पैन कार्ड CSF, यानी कि आप यहां से करेक्शन भी कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं पैन क्वेरी कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं पैन कार्ड से रिलेटेड अदर सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखोगे आपके नियरेस्ट में जो पैन सेंटर है उनकी लोकेशन भी आप यहां से खोज सकते हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर ए न्यू पैन कार्ड पर हम यहां पर क्लिक करेंगे, ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ध्यान रहे, ये जो नया वाला पोर्टल है ये उमंग वेबसाइट पर लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले आपको उमंग एप्लीकेशन या फिर उमंग वेबसाइट का एक आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होगा, आईडी पासवर्ड बनाना होगा। दोस्तों ये प्रोसेस उमंग एप्लीकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, उमंग एप्लीकेशन में भी इस नए पोर्टल का आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आप यहां पर देखोगे रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्टर हेयर पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल करना है एंड आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद में जो ओटीपी आएगी, ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है एंड ये कैप्चर कोड आपको यहां पर फिल करके टर्म्स पर क्लिक करना है एंड रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको 4 डिजिट के एमपीआर बनाने हैं और एमपीआर को आपको सबमिट कर देना है। आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल तरीके से यहां पर बन जाता है। इसके बाद आपको लॉग इन हेयर पर क्लिक करना है एंड आपके मोबाइल नंबर आपको यहां पर फिल करना है और जो 4 डिजिट के आप एमपीआर बनाओगे वो आपको यहां पर फिल करके लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मोबाइल नंबर और एमपीआर फिल करके जैसे मैं यहां पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करता हूं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाता है। अब ऊपर में ही आपको एक सर्च बार की पट्टी दिखाई दे रही होगी, इस पर आपको टाइप करना है माई पैन। माई पैन टाइप करके जैसे आप सर्च करोगे तो आप यहां पर देख सकते हैं माई पैन का एक सर्विस खुलकर आपके सामने आ चुकी है। तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ चुका है और आप यहां पर देखोगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ये नया पोर्टल है ये खुलकर आपके सामने आ चुका है। अब आप यहीं से नया पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड में करेक्शन आप लोग कर सकते हैं या फिर पैन कार्ड की कोई भी क्यूरी आप कर सकते हैं। तो हम नया पैन कार्ड बनाने के लिए सिंपली आपको न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करना है। आप जैसे न्यू पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड बनाने के यहाँ पर 3 प्रोसेस आ चुके हैं, ईकेवाईसी से, ई साइन से एंड फॉर्म नंबर 49 फिजिकल फिल करके। तो आप ईकेवाईसी से और ई साइन करके अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं तो यहां पर आपका जो पैन कार्ड है फ्री में जनरेट हो जाता है, क्योंकि जो आपका ये पैन कार्ड है आपकी आधार ओटीपी से बनता है। तो मात्र 2 घंटे में आपका यहां से पैन कार्ड बन जाता है और आपको यहां पर भी 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो आपका ये पैन कार्ड है वो आपके एड्रेस पते पर नहीं आता है, आपको डिजिटली ही आपका पैन कार्ड दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं फॉर्म नंबर 49 फिजिकल फिल करके आप अपने पैन कार्ड को बना सकते हैं, आपका पैन कार्ड आपके एड्रेस पते पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर लगभग 107-108 रुपए का आपको चालान पे करना होता है, पैसा कटवाना होता है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं फिजिकल वाले पे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुलकर आ जाता है। इस प्रकार के फॉर्म में आपकी पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको यहां पर अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है एंड आपको फाइनेंशियल डिटेल फिल करके कार्ड के लिए फॉर्म फिल कर देना है। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे हमें करेक्शन भी कर सकते हैं, करेक्शन चेंज
इन पैन कार्ड पर आपको क्लिक करना है और आपका पैन कार्ड किस प्रकार का बना हुआ है, ई साइन से या फिर फिजिकल से बना हुआ है, तो आपको उस पर क्लिक करना है और आसानी से अपने पैन कार्ड में आप लोग यहां से करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर गाइडलाइंस पढ़ सकते हैं, इसके बाद में आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है, इसके बाद में आपके जो भी पैन नंबर है वो पैन नंबर आपको यहां पर फिल करके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और फिर जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं वो करेक्शन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार इस नए वाले पोर्टल को यूज करके आप पैन कार्ड बना सकते हैं, पैन कार्ड में करेक्शन आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टेड लगी हो तो साइड में आपको दो वीडियो और दिखाई दे रही होगी, इन वीडियो पर भी क्लिक करके आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।